हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को जरूर से जरूर याद कर लेना चाहिए। यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, इसका नाम एवं सूत्र लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। कई बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है, हो सकता है कि 2020 में जब आप परीक्षा देने जाएं यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को उत्तर लिखना है। प्रयोगशाला में यूरिया, यह यूरिया है, यूरिया का सूत्र लिखना है ब्रैकेट में NH2CO NH2 ब्रैकेट बंद सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक था। यानी यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। तो आपको यहाँ तक का उत्तर क्या हो गया? प्रयोगशाला में यूरिया जो है सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक था। फिर आगे इसमें पूछा गया उसका नाम एवं सूत्र लिखिए। उसका नाम मतलब जो ये यूरिया जो किसने बनाया था, किस वैज्ञानिक ने बनाया था, उसका नाम एवं सूत्र लिख रहे हैं। तो इसके हम आगे लिखेंगे, इसे फ्रेडरिक वोलर, यानी जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरिया बनाया था उनका नाम लिखना है। इसे फ्रेडरिक वोलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया था। जो यूरिया है उसे किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया था, जिससे क्या हुआ था, हमारा यूरिया बना था। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। उसके बाद हम यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण लिखेंगे कि किस तरह से बना हुआ बना था। ये हो गया NH2CNO, इसका मतलब ये हुआ अमोनियम साइनेट। ये हमारा NH4CNO अमोनियम साइनेट है। इसको जो हम गर्म करते हैं यानी ऊष्मा देते हैं तो ये जो है किसमें बदल जाता है? यूरिया में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NH2CO NH2 में ये बदल जाता है। तो ये चीज़ इतना आपको लिखना है। तो आपको जो है ये कम से कम 2 नंबर से 3 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाएगा, अगर अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। और परीक्षा में या कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।